जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे, बेस्ट होंगे और आप अपनों के साथ खुशहाल होंगे, रहना भी चाहिए। आज दोस्तों हमारी बात उन समस्त लोगों से है, या उन समस्त लोगों से मेरा एक संदेश है, जो लोग भी अपना खुद का या अपने परिवार में, अर्थात हमारे भारत देश के हर वो नागरिक, हर वो घर, हर वो परिवार जिनके घर में, परिवार में एंड्रॉइड मोबाइल का यूज होता है, या जो लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, या हर वो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक जो इंटरनेट चलाता है। चूंकि दोस्तों अब 2022 में समय ऐसा है कि जो लोग भी सोशल मीडिया या इंटरनेट का सहारा नहीं लेंगे, या इंटरनेट के सपोर्ट से अपनी जीविका, अपनी रोजी रोटी, अपना प्रोफेशन एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, शायद वो आने वाले 2025 से 30 के समय अवधि में अपने आप को बहुत ही पीछे पाएंगे। चूंकि दोस्तों दुनिया में बचपन से लेके मृत्यु तक इंसान कहीं ना कहीं एक दूसरे के टच, संपर्क, संबंध या कांटेक्ट में रहता है। कुछ हमारे कांटेक्ट में है, मैं कुछ लोगों कांटेक्ट में हूँ, तो क्यों ना हम इतने बड़े पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करते हुए अपना तथा अपनों के लिए, अपना तथा अपनों से एक व्यवसाय, एक फ्रेंड सर्किल, पेटेंट, जीविकोपार्जन करने हेतु, सपनों को पूरा करने हेतु एक स्टैंडर्ड प्रोफेशनल, बात बात में बिजनेस की बात, खेल खेल में बिजनेस की बात, घूमते टहलते बिजनेस की बात, मतलब कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और ऐसे ही इंजॉय करते हुए आपका बिजनेस एक स्टैंडर्ड बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाएगा और बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाएगा। क्योंकि इंसान जब वो बचपन में जन्म लेता है, या उसका जब जन्म होता है, तो वहाँ भी उसके कुछ बेल विशेष शुभ चिंतक होते हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, सिस्टर हैं, भाई हैं, राइट, अंकल हैं, आंटी हैं, वहाँ भी उसको एक टीम का माहौल मिल गया। अब वो बच्चा जैसे ही थोड़ा ग्रो करता है, 4 से 5 साल का हुआ, तो उसके पड़ोस के बहुत सारे हम उम्र के उसके दोस्त, यार तो नहीं कह सकते लेकिन दोस्त के ही तरह होते हैं, तो उसके पड़ोसी लोग उसके जो है टीम की तरह एक ग्रुप में गया, एक से अधिक लोग मिल गए। अब जो थोड़ा और बड़ा हुआ, उसका एडमिशन जब स्कूल में होता है, नर्सरी में जब उसका होता है, तो उसके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट उसकी उम्र के, मतलब कि 20, 30, 40, 50, 100 की संख्या में वो एक टीम में चला गया, राइट। अब वो जो थोड़ा और बड़ा होता है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में जा रहा, तो उसका और जो नेटवर्क, उसका और जो टीम वर्क, उसके आसपास रहने वालों की संख्या और बड़ी हो जाती है, जो और हाई लेवल पे जाता है, तो उसके बहुत सारे गांव के, शहर के, स्टेट के, देश के, या सोशल मीडिया तो ऑल ओवर्स कनेक्ट कर देता है एक ही जगह पर बैठे बैठे। तो मतलब दोस्तों डायरेक्ट कहिए या इनडायरेक्ट कहिए, वो कॉलेज में जाता है, वहाँ भी उसको बहुत सारे दोस्तों का एक ग्रुप, एक टीम मिलता है। जब उसकी शादी विवाह होती है, वहाँ भी उसको एक टीम मिल जाता है, रिलेशन वाले मिल जाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी जब आगे और ग्रो करता है, कोई बिजनेस करे, या वो कोई खेती बाड़ी करे, या किसी कंपनी में काम करे, या अपना खुद का कोई गवर्नमेंट जॉब में ड्यूटी करे, इट मीन्स अगर गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहा है तो वहाँ भी एक नेटवर्क काम कर रहा है, वहाँ भी एक टीम काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, यहाँ भी एक टीम काम कर रहा है ग्राहक और दुकानदारों का, राइट। नाउ खेती बाड़ी कर रहा है तो वहाँ भी बायर होते हैं, सेलर होते हैं, खाद ला रहा है, डीजल ला रहा है, ट्रैक्टर वाले हैं, या उसका जब अनाज फसल तैयार, उसको बेचना, सेल आउट करने के लिए फिर भी उसको कंज्यूमर की ज़रूरत पड़ती है। तो इट मीन्स दोस्तों इंसान के जीवन में बचपन से लेकर मृत्यु तक उसके उम्र के अनुसार
एक्सपीरियंस के अनुसार, परवरिश के अनुसार, कर्मों के आधार पर, रहन सहन के आधार पर उसका नेटवर्क या टीम या संपर्क, कम्युनिकेशन, फ्रेंड सर्किल बढ़ते ही चला जाता है। राइट नाउ इसी में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी सोशल मीडिया के ग्रुप या टीम में जुड़ जाते हैं, कुछ लोग डिपार्टमेंटल ग्रुप चलता है, नेटवर्क चलता है, टीम चलता है, उसमें जुड़ जाते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स को ज्वाइनिंग कर लेते हैं, वहाँ भी एक टीम है, वहाँ भी एक नेटवर्क है। राइट नाउ कुछ लोग किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप या प्रोडक्ट का सेल आउट करने का वहाँ भी एक नेटवर्क बनाते हैं। तो इट मीन्स दोस्तों, अभी तक मेरा कहने का जो भाव है कि बचपन से लेके मृत्यु तक, बुढ़ापे तक, इंसान किसी ना किसी नेटवर्क में, किसी ना किसी टीम में वो कार्य करता है, वो हिस्सेदारी होता है या हिस्सा लेता है या भागीदारी होता है, तो टीम में वो काम करता है। अब सवाल ये है कि जिस भी टीम में, जिस भी नेटवर्क में, जिन भी लोगों के साथ आपका उठक बैठक है, बातचीत है, कम्युनिकेशन है, रिलेशन है, राइट नाउ जहाँ भी अपना कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप इफ़र्ट्स कर रहे हैं, तो क्या उस नेटवर्क से, उस टीम से आपको कुछ बेनिफिट्स, कुछ मुनाफा मिल रहा है? मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल गलत बात है। अगर मिल रहा है तो उतना नहीं मिल रहा जितना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए खासकर मेरा मैसेज है, संदेश है, एडवाइज है, सलाह मेरे दोस्तों, कि कब तक किसी दूसरे के नेटवर्क में आप काम करते रहेंगे, कब तक किसी दूसरे के सपने को आप पूरा करवाते रहेंगे, कब तक किसी दूसरे के लिए आप शारीरिक मानसिक लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, कब तक किसी दूसरे का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। 2022 चल रहा है, जमाना इतना फास्ट ग्रो कर रहा है, महंगाई इतना फास्ट ग्रो कर रहा है, दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा मेरे दोस्तों। तो ऐसे मोमेंट में, ऐसे क्षण में आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप बचपन से लेके, फैमिली से लेके, शहर देश गांव तक, जितने भी प्रकार के नेटवर्क या टीम में आप काम करते हैं या संबंध आप रखते हैं, आप अब उस टीम से, उस संबंध से, उस नेटवर्क के साथ रिलेशन अच्छा बनाइए, बातचीत अच्छा कीजिए, और उसी नेटवर्क से आप भी अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, कामयाब हो जाइए, अपना भी कमाइए खाइए, अपनी भी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, दूसरे को भी कमाइए, अपॉर्चुनिटी ऑफर कीजिए। क्योंकि दोस्तों यही एक बिजनेस है, हम बहुत हैरान और परेशान हैं, बार बार एनालिसिस करते हैं, चाहे वो हमारा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान जी हो, या कोई इंडस्ट्री हो, कोई उद्योगपति हो, कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट का मालिक हो, राइट, या हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, या हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति या प्रोफेशन 100% बेरोजगारी खत्म कर ही नहीं सकता। क्या सुना आपने, 100% बेरोजगारी खत्म कर ही नहीं सकता। इस पे बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे प्रोजेक्ट प्लानिंग इफर्ट्स बाय गवर्नमेंट, बाय समूह या बाय एनजीओ चल रहे हैं राइट नाउ। तो इन समस्त चीज़ों को, बातों को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसी इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है माय डियर फ्रेंड्स, कि आप जीवंत लाइफ टाइम लोगों को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का सर्विस, राइट, देते रहिए, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाते रहिए, अपॉर्चुनिटी उन्हें ऑफर करते रहिए, लेकिन कभी भी यह अपॉर्चुनिटी खत्म होने वाला नहीं है। आप मेरी बातों को सीरियसली वीडियो देखने के बाद एक बार बहुत विचार विमर्श करना,
कि जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ग्राउंड लेवल पर, क्या वो सच साबित है या नहीं है, राइट? चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, क्योंकि दोस्तों हर किसी को जॉब देना, हर किसी को रोजगार देना, हर किसी को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अगर संभव है किसी सेक्टर में तो वह डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन। बिकॉज दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में इसकी कहानी ही शुरू होती है एक यूज़र के रूप में। जो यूज़र होता है वही डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वही यूज़र होता है, जो बायर होता है वही सेलर होता है, और जो सेलर होता है वही बायर होता है, राइट दोस्तों? इस प्रकार से आप अपने ग्राहक से या अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने अपर वालों से या अपने डाउन वालों से, राइट दोस्तों, सबसे इनकम इंसान करता है, सबसे पैसा कमाता है। इसीलिए तो ये इतनी पवित्र, इतनी साफ सुथरा, चरित्रवान ये इंडस्ट्री है दोस्तों। यकीन मानिए भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे सपोर्ट्स मिल रहे हैं। अगर हम आप जाग जाएं और इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल को समझ दाएं, पूरे हॉनेस्टी पूर्वक अगर अपना एफर्ट्स करें सही दिशा में, पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी के साथ, तो दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की होगा और भारत एक सपनों का भारत होगा, नया आधुनिक भारत होगा, जहाँ पे गरीबी मुक्त, बेरोजगारी मुक्त, एक खुशहाल भारत का उदय होगा, जन्म होगा। चूँकि दोस्तों हर जगह पे नेटवर्क काम करता, हर जगह टीम काम करता, हर जगह पे लोग हैं, और हमारे भारत देश में लोगों की कमी है ही नहीं, है ही नहीं लोगों की कमी, बस जरूरत है इन्हें एक अच्छी दिशा और दशा देने के बारे में रियलाइज कराना, बताना और समझाना। हमने बहुत बारीकी से देखा है अपने फैमिली के लोग, अपने भाई बहन, अपने गांव के लोग, अपने स्कूल के दोस्त, अपने कॉलेज के दोस्त, अपने यूनिवर्सिटी के दोस्त, अपने जॉब या अपने प्रोफेशन के दोस्त, समय ऐसा आता दोस्तों, ये विधि का विधान ही ऐसा है, हमारे देश का, इस दुनिया का कल्चर ही ऐसा है कि ना चाहते हुए भी हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। साथ में रहने वाले, साथ में पढ़ने वाले, साथ में जीने मरने वाले, साथ में बहुत अच्छी मित्रता निभाने वाले, एकजुट होने वाले भी अलग हो जाते हैं। समझिए कैसे, मान लीजिए कि हम आप एक अच्छे मित्र हैं, एक अच्छे दोस्त हैं, दोनों लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब पढ़ाई करते वक्त आपका चॉइस कुछ और है, मेरा चॉइस कुछ और है, या हम दोनों ने सेम कंपटीशन में भागीदारी लिया, भाग लिया, अब हम सिलेक्ट हो गए, आप नहीं सिलेक्ट हुए, या आप सिलेक्ट हो गए, हम सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो आप उस डिपार्टमेंट में चले गए, फिर कोई वैकेंसी आई, हम दोनों ने उसमें भी अप्लाई किया, बेहतर के लिए, बेटर के लिए, पता चला कि पहले जो सिलेक्ट हुआ था वो इसमें सिलेक्ट नहीं हुआ, हम उसमें सिलेक्ट हो गए, तो अब हमारा एरिया चेंज हो गया, राज्य चेंज हो गया, या ड्यूटी का प्रोफेशन चेंज हो गया, या विभाग चेंज हो गया, तो अब इस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ रहना भी चाहें, साथ में ड्यूटी भी करना चाहें, तब भी नहीं रह सकते, क्योंकि दोस्तों मित्रता या दोस्ती को निभाने के लिए, जीवंत जो है साथ रहने के लिए बहुत कुछ वजह होता है। किसी की व्यक्तिगत मजबूरी है, किसी का पारिवारिक मजबूरी है, किसी का विभागीय मजबूरी है, किसी का अपना और भी कुछ दिस दैट प्रॉब्लम्स हैं, जिन कारणों की वजह से, जिन वजहों की वजह से हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि अगर हम और आप जाग जाएं, एक हो जाएं, यूनिट हो जाएं, इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को समझ जाएं, तो यकीन मानिए एक नहीं, दस सौ नहीं, हजारों लाखों लोग, पूरे क्षेत्र के, क्षेत्र पूरे जवाहर के लोग, पूरे कॉलेज के लोग, पूरे जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी नियर डियर हैं, आप सबके साथ फुल टाइम दे सकते हैं, सबके साथ जिंदगी इंजॉय कर सकते हैं, सबके साथ प्रोफेशन को इंजॉय करते हुए कर सकते हैं, अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं, और जब दिल चाहे एक दूसरे से अपने दिल की बातें कर भी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में आप जिनको चाहें उनके साथ आप रहिए, उनके साथ आप बिजनेस कीजिए,
अपना करियर सेट कीजिए, उनका भी करियर सेट कीजिए और सीखते भी रहिए, सिखाते भी रहिए, कमाते रहिए, कमाते रहिए। राइट दोस्तों, जितना जो ईमानदारी से मेहनत करेगा उतना वो पैसा कमाएगा। तो मेरी दो बातें मुख्यतः थी। पहला बात ये कि आप बचपन से लेके बुजुर्ग वृद्ध तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी के टीम में, किसी ना किसी के नेटवर्क में आप काम तो करते हैं। क्या वो टीम, क्या वो नेटवर्क, क्या वो ग्रुप, क्या वो आपके नियर डियर, वो आपके अपने, आपके लिए भी कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम कर रहे हैं? आपको भी बेनिफिट्स मिल रहा है? आपका भी लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं? आपको भी लोग फॉलोअप कर रहे हैं? राइट सवाल है, यस। तो और अच्छी बात, उसको और इम्प्रूव करना है और इम्प्लीमेंट करना है और उसको ग्रो कराना। अगर नहीं है, ज़्यादातर केसे में दोस्तों आज तक आपने किसी भी नेटवर्क में काम किया होगा, किसी भी टीम में काम किया होगा, वहाँ पर डायरेक्ट आपको फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, नहीं होगा, लेकिन इस प्रोफेशन से होगा। अब एक ऐसा टीम है, एक ऐसा नियर डियर, एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा फ्रेंड्स, लेकिन जहाँ पर हम रिलेशन भी निभाएंगे, लाइफ को इन्जॉय भी करेंगे और पैसा भी कमाएंगे, सपनों को भी पूरा करेंगे। दूसरा बात था ये कि आप जिन परिवार के सदस्यों के साथ, जिन दोस्तों के साथ, या देश का वो हर एक प्रत्येक नागरिक जिनको आप लाइक करते हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं, आप चाहें तो जीवंत इस प्रोफेशन में आप साथ रह सकते हैं, साथ एंजॉय कर सकते हैं, अपना जीवन और अपने अपनों का जीवन भी आप सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये दोस्तों इतनी पवित्र, इतनी साफ सुथरा, स्वच्छ इंडस्ट्री है, यकीन माने। बस ज़रूरत है ना, बात हुई सोच की बात है। अब जितना गहराई सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आपको उतना ही पोटेंशियल मिलेगा। बाकी मैं सूरज आप सभी दोस्तों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सेल्फ स्टैंड, बेटर स्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।